आप लोग जो कहते रहे वही ना हम करते रहे जी, और आप लोग जो कहते रहे वही ना हम करते रहे जी। जो लोग गाड़ी चलाते हैं और शराब पीते हैं, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती हैं, जरा जो काबिल है उसको तो बताना ना चाहिए जी, जरा जो काबिल है उसको तो बताना ना चाहिए जी। तो उसका तो काम ही यही है, पूरे दुनिया भर का है ये। अब इतना बढ़िया आते हैं, मुस्कुराते हैं और बाहर से सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं, आपका सिर्फ पैसा ही नहीं बर्बाद होता है, आपका बुद्धि भी खराब हो जाता है। शराबबंदी लागू हुआ अफीनों का मांग था तबे ना, हम तो चाहते हैं कि बाकी और भी जीविका दीदियों की संख्या हम बढ़ाएं और उनका काम भी बढ़ाएं, और आप लोग जो कहते रहे वही ना हम करते रहे जी। शराबबंदी लागू हुआ अफीनों का मांग था तबे ना, 15 के मीटिंग में पटना में हम बोल के नीचे बैठ गए, बैठ रहे थे, तब तक खड़ा होकर सब बोली शराब खराब चीज है, शराबबंदी कीजिए, शराबबंदी कीजिए। तब फिर हम लौट करके आए और हमने यही कहा कि ठीक है, इस बार तो अब चुनाव होने वाला है 3 महीना में, अगर हम फिर चुनाव में जीत करके आ जाएंगे तो निश्चित रूप से लागू करेंगे। तो फिर 15 में भी जीत करके आ गए हम लोग, तो लागू कर दिए और सब पार्टी ने सपोर्ट किया देहाती इलाके में। तो हम समझे कि चलिए पूरा तो लागू करेंगे, शहरी इलाके में देसी को बंद करके विदेशी छोड़ दिया बड़े शहरी इलाकों में, लेकिन जब उसका शुरू हुआ तो तुरंत महिला पुरुष सब जा करके उस दुकान को खोलने दिए। मुझको इतनी प्रसन्नता हुई कि हम सोच रहे थे कि शहर में अभी प्रचार नहीं हुआ है, यहां भी बंद कर रही। तो 4 दिन के अंदर 5 तारीख को भी हमने शहरों में भी उसको लागू कर दिया। तो आप सोचिए पूरे बिहार में लागू है और जगह जगह घूमे, सब जगह लोगों ने अनुभव बताया, कितने जगह लोग बोला, अभी भी हम घूम रहे हैं बता रही है कि पति पीते थे, अब आते थे घर में झगड़ा करते थे, बहुत दुखी होता था, बच्चे बच्चियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, और जब शराबबंदी लागू हुआ तो उनको उन्होंने शराब छोड़ दिया। अब इतना बढ़िया आते हैं, मुस्कुराते हैं और बाहर से सब्जी वगैरह लेकर के आते हैं, अब इतना सब घर का ध्यान देते हैं, कितना अच्छा बात है। अब जरा सोच लीजिए कि कितना बढ़िया चीज आप लोग करवाए। तो आजकल तक कुछ इधर उधर कोई पी पा करके करता है गड़बड़, सबको मना किया जाता है, बुरी चीज है शराब। शराब कितनी बुरी चीज है, बापू का जिन्होंने देश को आजाद करवाया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो कितना आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय जो बता रहे थे शराब कितना बुरा चीज है, उसी में सबको बताना। शराब आदमियों को न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है, आपका सिर्फ पैसा ही नहीं बर्बाद होता है, आपका बुद्धि भी खराब हो जाता है, और शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। अब बताइए ये बापू का कहा हुआ बात है, इसको लोग नहीं मानेगा तो जो इस देश को आजाद करने वाले थे, अब उनकी बात नहीं मानेगा तो उसका क्या चिंता होगी देश के बारे में। तो कई लोग अपने को बड़ा काबिल समझते हैं, अब बोलते रहते हैं इधर उधर, तो सब बात छोड़िए, कुछ लोग तो गड़बड़ करते ही है, लोग समझते हैं कि हम काबिल हैं और हम पीते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, पीना नहीं चाहिए, और शराब पीना कितना बुरा चीज है। अभी लोग जो पढ़े लिखे कुछ कुछ लोग बोलते हैं, सब नहीं, कुछ ही लोग ऐसा बोलते रहते हैं। तो आप जो हमने बता दिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का, उसने 16 में पूरे दुनिया में सर्वेक्षण किया और उसके बाद 2018 में उसने प्रकाशित किया कि शराब का क्या असर होता है। शराब लोग पीता है तो शराब पीने के कारण पूरे देश में, विश्व भर में एक साल में अगर 30 लाख लोगों की मौत 2016 में हुई तो उसमें से 5.3% शराब पीने के कारण की मृत्यु हुई, और जो बच्चे कम उम्र वाले मरे, 30 लाख लोगों की मृत्यु तो हुई इस तरह से, अब 20 से 39 आयु वर्ग के लोगों में 13.5% मौत शराब पीने से, और 2000 तरह का उसने बीमारियों को बताया कि इतनी बीमारियां फैलती है, और सबसे खराब खराब बीमारियां हैं, उस बीमारियों के पीड़ित होते हैं, उससे मरते हैं, और जो लोग गाड़ी चलाते हैं और शराब पीते हैं, एक्सीडेंट होता है, दुर्घटनाएं होती हैं,
और उसमें मरते हैं, तो शराब पी करके गाड़ी चलाने वालों में जितने लोगों की उसमें दुर्घटनाएं हुई है दुनिया भर का, उन लोगों ने बताया 27%। अब बताइए एक एक चीज विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, इसलिए हम दे दिए। जरा जो काबिल है उसको तो बताना ना चाहिए जी कि दुनिया का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबके हेल्थ के लिए ही ना सोचता है और वही ना सलाह देता है। कोरोना के दौर में भी तो आखिर वही ना रिपोर्ट करता था, आवाज भी देखता है कि कहां बढ़ रहा है, कहां क्या हो रहा है। तो उसका तो काम ही यही है, पूरे दुनिया भर का है ये। तो ये उनके द्वारा शराब के बारे में कितनी बातें सब चीजों को लिख करके एक एक चीज को आप सोच लीजिए, कई तरह की बीमारियों से जो लोग मरते हैं, तो इन सब चीजों को हम लोगों ने वितरित किया।